नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान टीवी हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है। ब्रेन सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी आज संभव है। दोस्तों, इस बदलती दुनिया में असंभव भी अब संभव हो चुका है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो खुद भी कई ऐसे जानवरों को जन्म दे सकते हैं जिनका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। पर शायद आपको यह सुनकर विश्वास ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने कई ऐसे जानवरों को जन्म दिया है जिन्हें देख आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कई जानवर हमारे धरती पर स्थित हैं जिन्हें प्रकृति ने नहीं, वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिन्हें हाइब्रिड एनिमल्स कहा जाता है। दोस्तों, दो अलग जानवरों का डीएनए मिक्स करके एक नए जानवरों को जन्म दिया जा सकता है, जिसकी विशेषताएं उन दोनों जानवरों के डीएनए पर निर्भर करेगी। तो आओ दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जिन्हें भगवान या प्रकृति ने नहीं, इंसान ने बनाया है। कामा। कामा एक ऐसा जानवर है जिसे ऊंट और लामा के डीएनए के मिश्रण से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा हाइब्रिड एनिमल है जिसे 14 जनवरी 1998 में दुबई में तैयार किया गया, जिसका मकसद था कि लामा की एक ऐसी प्रजाति का निर्माण किया जाए ताकि ज्यादा मात्रा में ऊन की प्राप्ति हो सके। हालांकि लामा और ऊंट आकार और प्रकार में बिल्कुल ही अलग हैं, मगर इन दोनों का मिश्रण से ये तैयार ये जानवर वाकई में बहुत अद्भुत है। सुपर काओ। दोस्तों, आपने जर्सी, मेवाती और कई इसी प्रकार के गायों के नस्ल के बारे में सुना होगा, पर आज हम जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं वो बेल्जियम में पाए जाने वाली सुपर काओ के नाम से मशहूर गाय है। इस गाय का निर्माण सन 1800 में बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने गाय की सबसे ताकतवर ब्रीड को चुनकर आपस में इनकी ब्रीडिंग करवाई। इस गाय का वजन और आकार बाकी गायों से दुगना है। लाइगर। ये एक ऐसी ब्रीड है जिसे मेल लायन और फीमेल टाइगर के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। इनका विकास बहुत तेजी से होता है। ये बिल्लियों के प्रजाति में सबसे बड़ी प्रजाति होती है। हरकुलिस नाम की लाइगर सबसे बड़ी लाइगर है। इसका वजन 400 किलोग्राम से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि ये बहुत फ्रेंडली है। इन्हें स्विमिंग करना बहुत पसंद है। जोंकी। जोंकी नाम की ये प्रजाति को गधे और जेब्रा के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। ये साइंटिस्ट द्वारा जन्म दिया गया एक बहुत उपयोगी जानवर साबित हुआ। यह हाइब्रिड एनिमल एक काल्पनिक है जो आज के समय पर सच होता नजर आ रहा है। विकांति माउस। यह एक ऐसा चूहा है जिसके पीठ पे इंसान का कान लगा हुआ है। सन 1995 में एक लेबोरेटरी में सर चार्ल्स विकांति द्वारा निर्माण किया गया यह चूहा सच में अद्भुत है। यह चूहे के ऊपर कान उगाने के लिए सर विकांति ने गाय के डीएनए तत्व निकालकर चूहे के निचले हिस्से पर लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप चूहे के पीठ पर इंसान जैसे हूबहू कान निकल आए। ये सभी जानवर एक ऐसा उदाहरण है जिसे विज्ञान का जीतता जाता सबूत माना जा सकता है। दोस्तों, आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा उपयोगी लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करो।